नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, आरबीआई ने रेपो रेट कम किया था बैंकों का, तो अकॉर्डिंगली ये बट ऑब्वियस था कि बैंक्स जो है वो फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट कम करने वाले थे। लेकिन कुछ बैंकों ने हमें बहुत ही बड़ा शॉक दिया है। वो ऐसा शॉक दिया है कि उन्होंने फिक्स डिपॉजिट के रेट इतने कम कर दिए कि वो कुछ बैंकों के सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट रेट से भी कम पाए गए। आइए लेते हैं उस बारे में डिटेल में जानकारी। हम आपको बता दें कि जब भी आरबीआई रेपो रेट कम करता है, रेपो रेट मतलब ऐसा रेट जो रेट से आरबीआई बैंकों को कर्जा देती है। तो आरबीआई ने अभी रेपो रेट किया है 4.4%। तो बैंक क्या करती है, आरबीआई से कर्जा लेना चालू करती है। उनको जरूरत नहीं लगती कि उनको फिक्स डिपॉजिट से कोई पैसे दे, क्योंकि उनको ऑलरेडी सस्ते इंटरेस्ट रेट में पैसे मिलने चालू हो चुके हैं। तो आइए लेते इस बारे में जानकारी कि कौन से बैंक है जो अब भी सेविंग बैंक पे भी 6% से ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो इसमें आते हैं एयू फाइनेंस, जो इंटरेस्ट पे कर रही है 6.4%। मैंने ग्रीन से जो मार्क करे वो ऐसे बैंक है जो 6% अबव इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं। इसके बाद आती है बंधन बैंक, जो 7.15% इंटरेस्ट पे कर रही है। डीबीएस बैंक 7% दे रही है सेविंग बैंक पे। आईडीएफसी बैंक 7% दे रही है। ये मैक्सिमम रेट है, आपका जो बैलेंस आप रखते हो वो अकॉर्डिंगली मैक्सिमम रेट मैं बता रहा हूँ आपको। इंडसइंड 6% रेट दे रही है। जन स्मॉल फिनेंस बैंक 8% दे रही है। लक्ष्मी विलास बैंक 6.5% इंटरेस्ट दे रही है। आरबीएल बैंक 6.75% इंटरेस्ट पे कर रही है। उत्कर्ष स्मॉल फिनेंस बैंक 7.75% इंटरेस्ट पे कर रही है। यस बैंक 6.25% से इंटरेस्ट पे कर रही है। तो ये हो गया सेविंग बैंक। आइए जानते हैं कौन सी बैंक है जो फिक्स डिपॉजिट पे सेविंग बैंक से भी इंटरेस्ट कम दे रहे हैं। मतलब कुछ बैंक हमने ऐसे देखे जो 6% के अंदर इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो इसमें आती है एक्सिस बैंक, ये 6.1% इंटरेस्ट दे रही है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो अपने को यहाँ पता चल रहा है कि एयू फाइनेंस तो 6.4 सेविंग पे दे रही है, तो एक्सिस में आपको फिक्स डिपॉजिट में पैसे रख के क्या फायदा होने वाला है। डीबीएस बैंक 7% दे रही है, आईडीएफसी 7% दे रही है, तो एक्सिस बैंक तो आपको 6.1% ही दे रही है, वो भी फिक्स डिपॉजिट पे मैक्सिमम दे पा रही है बैंक का। बैंक ऑफ बड़ौदा मैक्सिमम आपको दे पा रही है फिक्स डिपॉजिट पे 5.7%। बैंक ऑफ इंडिया फिक्स डिपॉजिट पे 6% ही दे पा रहे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 5.75%, कैनरा बैंक 5.85%, सेंट्रल बैंक 5.65%, सिटी बैंक ये तो एकदम लोएस्ट दे रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट पे 4% ही दे पा रहे हैं सिटी बैंक। एचडीएफसी बैंक ये 6% दे पा रहे। एचएसबीसी बैंक 4.25% दे पा रहे। आईसीआईसीआई बैंक ये 6% दे रहे। आईडीबीआई बैंक 5.9% दे रहे। इंडियन बैंक 5.9% दे रहे। ये ऐसे बैंक है इनके पास आप फिक्स डिपॉजिट रख के आप लॉस में जाने वाले, आपको इनकम नहीं आने वाली। अगर आप ज्यादातर अगर फिक्स डिपॉजिट पे आप अगर अर्निंग कर रहे हो तो आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। जम्मू कश्मीर बैंक 5.75%, कर्नाटका बैंक 6%, कोटक बैंक 5.9%, पीएनबी बैंक 5.8%, पंजाब एंड सिंध बैंक 5.85%, एसबीआई पे आपको मिल रहा है 5.70%। मतलब ये जो बैंक है, यूको बैंक 5.85%, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 5.9%। मतलब ये जो बैंक्स है, ये जो ग्रीन में मार्क मैंने किए है, ये बैंक्स में आप अगर फिक्स डिपॉजिट रखोगे तो आपको श्योरली ज्यादा इनकम नहीं आने वाली। अगर आपको फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखने तो आप बजाज फिनांस की तरफ जाओ, आपको 7.8% तक ज्यादा से ज्यादा दे रहा है। इसके बाद अलाहा बैंक है, वो 6.45% दे रहा है। डीसीबी बैंक है 7.6% दे रहा है। डीएचएफएल 9.25% दे रहा है। ये बैंक्स है कुछ जो आपको ज्यादा पैसे दे रहे हैं फिक्स डिपॉजिट पे। मतलब अगर आपको कंपैरिजन अगर करना है तो कुछ बैंक, अगर आप फिक्स डिपॉजिट में पैसे अगर आपके लॉक इन में फंस रहे तो आप क्यों फंसाओगे? फिर आप सोचोगे मैं सेविंग बैंक में रखूंगा क्योंकि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है।
आरबीएल का 6.75% सेविंग बैंक पे दे रही है, और स्टेट बैंक जो है वो 5.7% ज़्यादा से ज़्यादा दे पा रहे हैं फिक्स डिपॉजिट पे। आप अगर सीनियर सिटीजन हो तो भी आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, आप देख पा रहे हो 6.75, 6.2, मतलब ये जो बैंक है ये आपको फिक्स डिपॉजिट पे ज़्यादा पैसे नहीं दे रहे। इसलिए हम आपको सलाह करेंगे कि फिक्स डिपॉजिट का आपका जो डिसीजन है वो आप एक बार रिवाइज करो। आप सोचो कि आपको अगर कौन से बैंक में, अगर आपको फिक्स डिपॉजिट में ही पैसे रखने तो कौन से बैंक में रखोगे। अगर आपको फिक्स डिपॉजिट में आप परेशान हो गए तो आप स्विच कर सकते हो, आप सीधा क्या करो सेविंग बैंक में जाओ और कोई और बैंक में आपका अकाउंट ओपन करो। जैसे इंडसइंड है 6% दे रहे सेविंग बैंक पे, तो आप ऐसे बैंक में भी आप स्विच कर सकते हो। एनीवे, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए, सुनते रहिए टैक्स जंक्शन, घर से बाहर नहीं निकलिएगा। प्लीज हैव अ नाइस डे, टेक केयर।